अब यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको ये कह सकते हैं, अगर ये माइनस को साइन को मैं अंदर कर दूँ और एक्स को यहाँ पे कॉमन कर दूँ, एक्स को बाहर ले लेता हूँ और माइनस का साइन इधर करके कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और प्लस पी बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखें अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी लाइन ऑफ इक्वेशन के साथ, सब्स्टिट्यूट जो हमने की, ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन टू हमने सब्स्टिट्यूट की, तो हमने इसे लाइन ऑफ इक्वेशन के अंदर हिसाब से बना लिया, तो इसे हम m कह देते हैं। ये हमारा x होगा, ये हमारा c होगा, ये हमारा y के इक्वल्स हो जाएगा, लेफ्ट और राइट बराबर हो गए। तो अब हमने क्या करना है, m इक्वल जो होगा हमारी m की वैल्यू जो आएगी वो हमारी m की वैल्यू आएगी x m इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और c जो हमारा इक्वल होगा p बाय साइन थीटा। ठीक है जी, अब हमारे पास पी भी आ गया, थीटा भी आ गया, हमने इन दोनों के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास एम और सी की वैल्यूज आ जाएंगी। जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमने लाइन ऑफ इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर हमने पुट करनी है, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बन रही थी, इसकी वजह यह थी कि हमारे पास जो वोट था मैक्सिमम वोट यही था 3। अब ये होता कि फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने ये नहीं समझने कि इसके अंदर वोट आ रहा है, अगर वोट होता वो इस जगह पे भी 3 होता, ठीक है, तो अब 1 एक पॉइंट और होता जो होता 1 और एंगल उसका होता 90 डिग्री, पी इज इक्वल टू 1 और ये होता थीटा हमारे पास 90 होता, तो इसके लिए भी आपको ये अलग से कैलकुलेट करना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि अभी तो हम एक लाइन की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जब ये दो वोट सेम आ गए तो हमारे पास एक और भी लाइन होगी जो एग्जिस्ट कर रही होगी। तो ये हमारा हाफ ट्रांसफॉर्म पोलर कोऑर्डिनेट्स में था। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप ज़रूर इसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा।